हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट T20 जो कि खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो दोस्तों, इस मैच में क्या क्या मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं आपको इस मैच में बताने वाला हूँ कि पिच की क्या बिहेवियर रहने वाला है, पिच किसको मदद करेगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि टीम में क्या हम किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और सारी प्रिडिक्शन बताऊँगा जिससे आपकी अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बना पाएंगे और हमारी सारी प्रिडिक्शन देखिए आप काफ़ी अच्छी विनिंग करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, वेन्यू की, तो ये मैच कहाँ पे खेले जाने वाला है। दोस्तों, ये मैच खेले जाने वाला है ब्रायन लारा स्टेडियम में, ट्रिंडा में। तो दोस्तों, ये पिच कैसी रहने वाली है? तो दोस्तों, ये पिच न्यूट्रल है, यहाँ बैटिंग और बॉलिंग दोनों को इक्वल मदद मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि बॉलिंग में किसको मदद मिलेगी, तो बॉलिंग में भी ये दोस्तों न्यूट्रल है। यहाँ पे स्पिनर्स और फास्टर्स दोनों मिल के विकेट ले जाते हैं, ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरते हैं और स्कोर भी ज़्यादा नहीं बनते हैं। मीडियम विकेट्स भी गिर रहे हैं, मीडियम स्कोर भी बन रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी पिक जाएगी, काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा आपको, स्कोर भी काफ़ी अच्छा और विकेट्स भी 5 से 6 पर इनिंग आपको देखेंगे, और स्पिनर्स और फास्टर दोनों ही अच्छे विकेट लेके जाने वाले हैं। तो न्यूट्रल कह सकते हैं आप, अपनी टीम बैलेंस्ड बना के आइए, वही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बात करें वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में, तो वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेंगे ब्रैंडन किंग, कार्ल मेयर्स, जे चार्ल्स जो आपको तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, इसके अलावा निकोलस पूरन, ट्रेवन पाउल्स, शिमरन हेडमायर, जसन होल्डर, आर चेस, आर शर्टफर्ड, अल्जारी जोसेफ और ओ थॉमस। ओ थॉमस आपको शायद ही खेलते हुए दिखे, इनकी जगह आपको कोई और भी खेलता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा बात करें इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की प्लेइंग 11 में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे शुमन गिल के अलावा दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, यादव, सैमसन, अक्षर पटेल। इसके अलावा दोस्तों कुलदीप यादव बॉलिंग यूनिट संभालेंगे, उनके साथ होंगे अर्शदीप सिंह जो ओपनिंग में 2 ओवर एंड में डेथ में 2 ओवर कराएंगे, उरमान मलिक होंगे और रवि बिश्नोई। ये दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। तो दोस्तों, बात करें ड्रीम 11 की, तो आइए हम आपको बताते हैं हमारी ड्रीम 11 पिक क्या होने वाली है और किसको हम अपने टीम में रखने वाले हैं। काफी बैलेंस टीम बना के हम चलेंगे और काफी अच्छी टीम होगी। तो आइए हम वीडियो में आपको आगे बताते हैं कि हमारी क्या ड्रीम 11 की पिक्स होने वाली हैं। तो दोस्तों, आगे हम अपने ड्रीम 11 स्क्रीन पे, और मैं आपको सारी टीम सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस बिना पे मैंने अपनी टीम को बनाया और कैसी टीम परफॉर्मेंस कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, तो 2 विकेट कीपर रखे हैं जिनका नाम है ईशान किशन और दूसरी तरफ से निकोलस पूरन। दोनों ही काफ़ी धाकर बैट्समैन है, अच्छी पोजिशन पर बैटिंग करते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बैटिंग सेक्शन में रखा है सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा दोस्तों, सैमसन भी मेरी टीम में हो सकते हैं, पर इस टाइम मैं उन्हें ड्रॉप करके आ रहा हूं क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी टीम में जे चार्ल्स होंगे जो कि पंट पिक की तरफ तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की तरफ से। ये काफ़ी अच्छे पिक हैं, काफ़ी लोग इन्हें छोड़ के आ सकते हैं, काफ़ी नीचे हैं, इनकी बैटिंग देखने को भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक होंगे। तो आप इनको अपनी टीम में लाएँ पंट पिक के तौर पर, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बॉलिंग सेक्शन में आर शर्टफर्ड, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और ऑलराउंडर में अक्षर पटेल और हार्दिक पांडे को लाया है। दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं पंट। तो दोस्तों, बात करें पंट पिक की, तो पंट पिक इस मैच में मैंने 4 पंट पिक रखे हैं जो कि हैं आर शर्टफर्ड। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनकी पोजीशन भी अच्छी है, बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छा करते, तो आर शर्टफर्ड को मैंने अपने पंट पिक के तौर पर यूज़ किया। इसके अलावा दोस्तों, अगर अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो जो भी खेलेगा ये काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं, तो आप युजवेंद्र चहल या अक्षर पटेल दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं एक और पंट की पिक की बात करूँ तो वो होंगे जे चार्ल्स काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, अच्छा स्कोर बना के दे सकते हैं, लोगों का ध्यान कम आकर्षित करते हैं पर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे स्कोर करके दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा रवि बिश्नोई को भी लोग कम ध्यान में ले रहे हैं क्योंकि लोग सोच रहे हैं विकेट नहीं गिरेंगे, पर रवि बिश्नोई काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे फाइनल टिप के लिए हमारी टीम टेलीग्राम से जुड़ जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।